रही थी कि काम में भी आप मुझे याद करते हैं। वैसे ना व्यूअर्स, यकीन माने मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जो है ना वो बस यही है। ये नजर तो आ गया लेकिन मोहब्बत क्योंकि आप देखिए, आप देखिए अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनें और भाई खैर खैरियत होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाय को जो है हमने चारा डाल दिया है और अभी चारा जो है ये खा लेगी, कुछ देर बाद जो है इसका दूध भी निकाल लेंगे। क्योंकि मुझे तो अभी दूध निकालना नहीं आता क्योंकि मैं अम्मी से जो है अभी सीख रही हूँ। अम्मी सीख ना जाऊंगी ना। हाँ, होले होले बंदा काम करें देता चेक वें दे वालों दे ए दो है चीज़ वालों होले लेके दो है गिनती राती दां चेक वें चीज़। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि मैं खुद जो है दूध निकालना सीख जाऊँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत जो है कभी सही होती है कभी नहीं होती। तो आज जो है मैंने अपने मियाँ को छोटी सी फरमाइश की है, तो उनका दिल देखेंगे कि वो मेरे लिए जो है आज उसको याद रहता है या नहीं रहता, लेके आएंगे या नहीं। कि नामी लेके आएंगे ना, आपको पता है आपका बेटा है आपके अबे हिंदी आपरी ने आज बेगम जी जरूर फरमाइश पूरी करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे भी यही उम्मीद है कि वो जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अभी आएंगे तो पता चलेगा। अभी जो हमने चारा डाल दिया है तो अभी जो घर चलते हैं, उसका इंतजार है आज बहुत कि देखेंगे कि वो कैसे जो है हमारी ख्वाहिश पूरी करता है। चलो थोड़ी देर बाद जो है हम उसका दूध निकालने आएंगे। खा गिने वाले अभी अब हमें बहुत ही मजा आता है जानवरों को जो है घास डालना, क्योंकि जो काम घर का होता है वो अम्मी और मैं सब जो मिलके ख़त्म कर लेते हैं, और ये काम भी है जो है हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो यही सोच रही थी कि जानवरों का जो है काम मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। इनका चारा डालना, इनको जो है बस ये काम मुश्किल मेरे लिए रह गया है कि इनका दूध निकालना तो वो भी जो है मैं सीख लूँगी, अपने विवाह से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चलते हैं। हाँ ठीक है, इस साइड पे आ जाए, थोड़ा खुली ठीक है, सुकून ना रहा जब बैठे रहे तो भगवान दे चीज है ना। वो तो आज मैं बैठूंगी भी सही। क्या देख रही है कि पैसे गिन रहा हूँ, खर्चा ज्यादा हो गया ना आज। तो इसलिए पहली बार खर्चा हो गया तो क्या बात है, पहली बार थोड़ी हुआ, हर बार ही होता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? तो आपने जो है अम्मी को क्या कहा था? मैंने अम्मी को कहा था कि आपका बेटा है, आपको पता होगा कि वो जो है मेरी फरमाइश है पूरी करेगा या नहीं। वो तो क्या अम्मी को कहने की क्या जरूरत है, आप मुझे बता, आपने मुझे बताया है ठीक है, मुझे मेरे जहन में था, मैं भूल थोड़ी रहा था व्यूअर्स। इसका जो भी वो आपको मैं दिखाता हूँ ना ठीक है, तो इसमें से मैं तो वैसे अम्मी से कह रही थी, फरमाइश इसकी क्या थी वो ये थी कि बेगम ने कहा था बर्गर का, कि आपने जो है मेरे लिए बर्गर लेके आने। मैं तो आपका जो है दिल देख रही थी कि आपको जो आज याद रहेगा या नहीं। दिल मेरा बर्गर पे देख रही थी, शाम से शादी हुई है आपको और कोई चीज नहीं मिली मेरा दिल देखने की। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि काम में भी आप मुझे याद करते हैं। वैसे ना व्यूअर्स, यकीन माने मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जो है ना वो बस यही है। ये नजर तो आ गया लेकिन मोहब्बत क्योंकि आप नहीं, आप देखिए बर्गर पे आप मुझे चेक ना करें ठीक है, आप कहे तो मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। बस ये देख लेना कि चीजों की बात नहीं है लेकिन इंसान की ये अहमियत की बात हो रही है। बस ये देख लेना कि जहाँ जब लेनी हो ना, मांगनी हो ना, मुझे चेक करना हो ना,
तो जगह नीची हो, थोड़ी ऊपर ना हो, ठीक है, कि ताकि मैं ऊपर से गिरू ना, बस वो टांग वगैरह या कुछ ऐसा हो नहीं नहीं ऐसा बस। क्यों, मैं तो आपकी जान की जो है क्यों ऐसा कहूंगी कि आपकी जो है मैं जान का जो है कुछ ऐसा आपका जो है नुकसान नहीं, वो ठीक है। आप मुझे बर्गर पे चेक कर रही थी ना, बर्गर पे, नहीं, मैं वो बर्गर से याद आया भी बस, कि वो दूसरा मुझे याद आ गया, वो सॉन्ग चल रहा है आजकल, ये बर्गर बच्चे क्या जाने, पता नहीं आगे क्या हो गई इस तरीके से। याद तो है नहीं तो माशाल्लाह आपको। बस अभी ये एक बर्गर इन हमारा है, ठीक है, ये बेगम खाएगी, एक बर्गर जो है वो अम्मी और बाकी घर वाले दूसरा बाकी घर वाले खा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप निकाल लो, ठीक है, ये जो दूसरा माल्टे वगैरह मैं ले आया हूँ, ये बर्गर खा के बाद में हाजमा कर लेना, हाँ ठीक है। तो अभी निकालो, बैठी हो, रायता एक उनका रख देते हैं, तो एक जो है इधर इधर हाँ एक अपना निकालो, एक रख उनका दो, शापर में रख देते हैं। तो तो ये बाकी भी फैमिली है ना, तो ये उनके लिए जो है रख देते हैं। अच्छा तो आज तो वो इतनी दूध खुशी में आज जो है बर्गर तो खा ली दूध निकाला था उसका, गाय हाँ गाय का दूध हमने निकाल सीख भी रही हो साथ में लिया। हाँ सीख रही हूँ, बस अभी थोड़ा थोड़ा जो है मुझे जो है निकालना आता है, ज्यादा तो नहीं यार चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी किसी टाइम खराब रहती है, तो चलो इनको पता लग जाएगा ना, ये ना सर में डरती है गाय के नीचे बैठती नहीं है, कहती है कि मुझे वो ना वो दूसरा टांग मारती है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा ऐसा जो है मैं रोज ही जाती हूँ उसको जो है घास डालने के, वो भी जो है चले, हो मैं जाएगी। अभी इसको भी बस चिकन वाला पसंद तो है नहीं, ठीक है, बर्गर ये इसको कौन सा पसंद ले है, आए हो आप हैं ये कौन सा है जो आपको पसंद है, इसमें आंडे अंडे वाला आपका हाँ सी फेवरेट नहीं है, तो वो ही लेके आया, तो अभी फ्रेश है बस, क्योंकि साथ से ही बनवाया था, अगर उधर से बनवाता ना तो टाइम लग जाना था, इसलिए आपने कुछ खाया है जब मेरे लिए सोचते रहेंगे कि आज की जो है आपकी फरमाइश पूरी करनी है मैं भी खा लूंगा अभी, यहाँ तो खाएगा मैं खा लूंगी, आप साथ खा लेंगे तो मेरे साथ में और भी जो मुझे खुशी तो ज्यादा होगी वैसे ये बात ठीक है, पर अगर आपने मुझे चेक करना हो ना, ठीक है, मेरी मोहब्बत को आजमाना हो ना, तो कुछ और प्लान करें ये तो आसान नहीं था मुझे ये नहीं क्या था अभी बस, ये था तो सारा दिन मैं ना जब काम पे था ना, तो वैसे भी काम पे मैं जो ऐसे याद करता रहता हूँ बातें, कौन सी जो पहले पहले हम अक्सर के जब शादी हुई थी ना, उससे पहले के जब कॉल करते थे, तो इस जैसी और भी घर की बातें जो भी खुशी वाली, और जैसा के मिलना था हम कैसे मिले थे, इस जैसी काफी बातें जो होती है ना बस जहन में, तो वो मैं काम के दौरान याद करता रहता हूँ, ताकि टाइम जो है अच्छे से गुजर जाए और इसकी याद में काम भी हो जाए बस। क्योंकि शादी के पहले भी मैंने आपको जो है नहीं कहा था क्या, क्योंकि आप जो है खुद लेकर आते थे हाँ ये बात है बस, ये ना असल में जब मैं इसे मिलने जाया करता था ना, तो हाँ उस टाइम में बस ये इसको शौक इस बर्गर का ही था, ये बर्गर खाती थी, इसके फेवरेट थे, काफी लोग होते हैं जिनके मतलब गोलगप्पे ये वो, मुझे दही भले पसंद है ज्यादा, चावल में खाता हूँ, और बेगम जो है इसको बर्गर पसंद है, तो इसलिए आज इन्होंने ना मुझे सुबह ऐसे समझ लेंगे जैसे मैं जा रहा था, तो इसने मुझे उस टाइम बताया, ठीक है, बस ऐसे जैसे भाई ये देख रही थी कि आज ही लेके आते कि हैं, मैंने सोचा उसी दिन की तरह पहले शादी के पहले दिनों की तरह जो आपको याद जैसे काल में बताती थी कि याद बर्गर है लेके कि आ रहे हैं, नहीं चेक करके बताओ कैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।